रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद, और अब है ये आपके लिए चटखारों का समा, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ शेफ सुमेरा फरहान भाई। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? कैसी खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम क्या बना रहे हैं शेफ सुमेरा? आज हम बना रहे हैं मालपूरे। ओहो हो 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 हो, रोना आ गया सुन के रोना आ गया मुझे। ये कितनी देर में बन जाएंगे वैसे, पहले मुझे बताएं। 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। बेस्ट पार्ट है, फटाफट बन जाते हैं। जबरदस्त। और इसके लिए क्या? बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए होती हैं। 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 4 अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर, हिसाब से, क्योंकि मुझे होता है कि मुझे अंडों में थोड़ी स्मेल ज्यादा आती है तो मैं ज्यादा यूज करती हूँ। जिसको नहीं वहम है मुझे, वो कम कर ले। और इसीलिए मैं साथ ही गुलाब का अर्क भी डाल देती हूँ कि वो बिल्कुल ही सेफ हो जाते हैं। और ये सब कुछ डाल के 1 कप दूध के साथ इसको हमने मिक्स करना है। अच्छी प्रॉपर बैटर इसका बनाना है। आप देख लीजिएगा जब मैं इसको बैटर बनाऊंगी, और फिर इसको थोड़े से 1-1 टेबल स्पून, ये शैलो फ्राई होते हैं। ओके, कोई डीप फ्राई नहीं होंगे, कुछ भी नहीं। 1-1 टेबल स्पून सोया सुप्रीम। अच्छा, मालपुआ के अंदर वो जो फिरनी रबड़ी डालते हैं, रबड़ी, उसका भी बहुत आसान तरीका है। वो सूजी और कंडेंस मिल्क से बनती है। वो उससे बनती है। मुझे ये इतना पसंद है मालपुआ, मैंने एक बोरी रेस्टोरेंट में ट्राई किया था, बट टू गुड। इससे अच्छी मैंने कोई स्वीट मीठी चीज नहीं खाई। ये हमारी मेमनों की खास डिश होती है। फिर तो ये मुझे आपके घर आके खानी चाहिए। बिल्कुल, आप इसे रेस्टोरेंट में जाके खाऊं। बस ठीक है, चले जी, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले 1 कप मैदा हम लेंगे जी। सब कुछ इक्वल डालना है, सब कुछ है। मैदा, दूध और चीनी, ये एक ही क्वांटिटी है, इसमें जितनी हो। अंडे 4 जाएंगे। अंडे 4, ठीक है। और साथ में हम इसके इलायची पाउडर और गुलाब का अर्क, ठीक है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सब कुछ एक साथ अच्छे से मिक्स हो। ठीक है, तब तक मैं शेफ फरहान से पूछूं। शेफ फरहान, ये जो मछली है इसका क्या करने जा रहे हैं आज आप? इसका आज हम बना रहे हैं क्रम फ्राइड फिश। मालपुरे के साथ फिश का कॉम्बिनेशन बनाया है, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। थोड़ी सी मैंने अपने पास से इसमें वेरिएशंस की हुई हैं, थोड़ा मज़ेदार किया हुआ है। 2 घंटे पहले, कहने का मतलब जब आपने खुद से वेरिएशन डाली तो मजेदार हो गया और ज्यादा टेस्ट निकल गया। हाय मां सबकी मस्त के। इसमें ग्रीन चिल्ली, असल जो रेसिपी है इसकी, इसमें ग्रीन चिल्ली का यूज है, ठीक है। मैंने इसके अंदर रेड ड्राई चिल्ली यूज की है। ड्राई चिल्ली को पेस्ट बना के और इसको फिश के ऊपर लगा के 2 घंटे से ये रख दिया, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं जो यूज कर रहा हूँ, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ओरिगानो, लेमन जूस, सॉल्ट और अंडा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप इसको इसमें जो मेरी वेरिएशन है, वो मेरी वेरिएशन ये है कि ये गार्लिक, ये फिश को फ्राई करने के बाद इसमें मैं एक गार्लिक बटर सॉस बनाऊंगा और उसको ऊपर से फिश के ऊपर डालूंगा, तो वो वेरिएशन आएगी और मजेदार टेस्ट बनेगा। ये बात है। चले जी, आप ये बनाए और ये आप मालपुड़ा का बनाए। मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, वरना मैं जज्बाती हो जाऊंगी, मुझे रोना आ जाएगा। मेरी मीठे से बहुत ज्यादा उनसियत है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है।